बाद भी खास खबर के साथ, जो कि भोपाल से। तो बड़े तालाब पर एयर शो कल फाइनल होने वाला है। वीआईपी रोड पर रेत घाट से खानुगांव तक लोग अब ये एयर शो देख सकेंगे। एयरफोर्स शो के दौरान पास धारकों को ही एंट्री मिलने वाली है। तो वहीं बोट क्लब के आसपास ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट रहने वाला है। कल कार्यक्रम को देखने के लिए सिर्फ लोग पैदल ही जा सकेंगे। पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो कल भारत का शौर्य देखने के लिए अब तैयार रहें, और कल ये बेहद ही खूबसूरत एयर शो होने जा रहा है। वीआईपी रोड पर रेत घाट से खानुगांव तक लोग इस एयर शो को देख सकेंगे, जिसकी तैयारी अभी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, एयरफोर्स शो के दौरान पास धारकों को ही एंट्री मिल पाएगी। बोट क्लब के आसपास ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट रहेंगे, मार्गों में परिवर्तन रहेगा, और इसी के चलते कार्यक्रम देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोग पैदल ही जा सकेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी बनाई गई है। पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो पार्किंग की और एंट्री की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए, इसकी रिहर्सल अभी रोज की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कल ये एयर शो होने जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है इस एयर शो को लेकर, और अभी ट्रायल जो अभी प्रैक्टिस चल रही थी, इसमें भी कई लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए पहुंच रहे थे। ये खूबसूरत नजारा कल भोपाल के आसमान में देखने को मिलेगा। भारत का ये शौर्य जिसके लोग साक्षी बनने वाले हैं। तो वीआईपी रोड पर रेत घाट से खानुगांव तक ये एयर शो लोग देख सकेंगे। खास व्यवस्था इसके लिए लोगों के लिए की गई है। पास धारकों को ही इस शो को देखने के लिए एंट्री मिलेगी। इसमें आसमान में ये खूबसूरत करतब दिखाते एयर शो के ये फाइटिंग जेट्स, लड़ाकू विमान कल अपना करतब दिखाने वाले हैं। इसके चलते बोट क्लब के आसपास ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है।